तो ये यहाँ पे आपको पार्किंग मिल जाती है टू व्हीलर की, यहाँ फोर व्हीलर की पार्किंग भी है और अभी हम B2 में हैं और इसके ऊपर भी पार्किंग है। तो अभी चलते हैं अंदर यहाँ से एंटर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मैं एकदम बढ़िया हूँ, होप करता हूँ आप लोग भी बढ़िया होंगे। फिलहाल जो है हम लोग आ चुके हैं, देख सकते हैं आप मेरे पीछे ओमैक्स मॉल है जो कि चांदनी चौक में खुला है और अभी ये नया नया खुला है। नया नया ऐसा मतलब भी कुछ दिन पुराना हो गया, पूरा नहीं खुला है, कुछ हिस्सा खुला है इसका। भी चीज़ है, इसके अंदर चलते हैं, दिखाते हैं आपको। तो देखते रहिए और बने रहिए और मिलते हैं आपसे आगे वीडियो में। देखो यार, लोग पहुंच चुके हैं। क्या बढ़िया बना रखा है, एकदम नया, एकदम वाइट हो रखा है। यहाँ का नाम है ओमैक्स, ये ओमैक्स मॉल है, ओमैक्स चौक है, चांदनी चौक के सामने बिल्कुल। वो सामने गुरुद्वारा देख सकते हैं, चांदनी चौक वाला, उसके सामने बना हुआ है भाई। बहुत सही बना रखा है एकदम। अभी तो फिलहाल तो यह है कि नया नया, तो साफ़ सुथरा भी है काफ़ी। और यहाँ हम लोग बेसमेंट से ऊपर एग्जिट करके आए हैं, अभी मेन गेट से यहाँ से एंट्री करेंगे, अंदर से भी थी। ये हम लोग कर रहे हैं एंटर यहाँ से मॉल में, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई, बाहर से तो साफ़ सुथरा है भाई। यहाँ पे खुला हुआ अभी देखो दावतपुर सिटी ऑफ फूड, ये है क्या है क्या, दिल्ली का सबसे बड़ा फूड कोर्ट खुला है। इसमें 2000 लोगों तक की सिटिंग है। तो अभी चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं कैसा बना हुआ है ये। ये मेन इसकी एंट्री है, जहाँ से अभी हम लोग एंटर हुए थे वहाँ से ऊपर आए हैं। काफ़ी अच्छा बना हुआ है और ऊपर चलते हैं, ऊपर देखते हैं कैसा है। अभी हम लोग यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे, अब चलते हैं सेकेंड फ्लोर पे। क्या खूबसूरत लग रहा है भाई, देख रहे हो कैमरे में, दावतपुर क्या लिखा हुआ है, दास्तान भाई। ये दावतपुर का काफ़ी बड़ा जो है फूड कार्ट बना हुआ है। इसमें यहाँ पे जो है इतना बड़ा बना रखा है कि 2000 लोगों की एक साथ में सीटिंग हो सकती है। तो ये देख सकते हैं आप कितना बड़ा मतलब ये बना रखा है। अलग अलग तरह के यहाँ पर स्टॉल आपको खाने की मिल जाएंगी चीज़ें, जैसा कि देख पा रहे होंगे वहाँ तक लास्ट तक, देख रहे हो काफ़ी सुंदर बनाया है भाई। शैंड लेयर से लेके सब चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ, खाने पीने के तो खैर कमी नहीं है कोई। मेन आपको देखो ये, अगर आप इधर की सीटिंग पे बैठते हो तो बाहर का मेन आपको जो नज़ारा भी मिल जाता है। ये चांदनी चौक और यहाँ का रश भाई, ये अंदर की अपने मॉल का हिस्सा है पूरा, बैरिकेड से लेके इधर तक का। ये क्या है, टुवाज पन्नापुरी। तो यहाँ पे अलग अलग इलाकों के नाम की तरफ से बना हुआ है यहाँ से रास्ता है, आगे जाके देखते हैं एक बार कि क्या है। वेलकम टू ऐतिहासिक गली, ऐसे ऐतिहासिक गली अंदर चल के देखते हैं। यहाँ पे बर्गर किंग वगैरह और ये पॉपाइज का काफ़ी अच्छा चिकन चलता है, तो ये भी है। और यहाँ के देखो, यहाँ का थीम बिल्कुल ही अलग बना रखा है, थीम एकदम ग्रीन लाइट के साथ में, शांत माहौल वाला थीम है। और ये क्या है, आराम से आप फैमिली के साथ में, दोस्तों के साथ आराम से बैठ के आराम से खा सकते हैं। देखते हैं आप कैसे अच्छे से मतलब लाइट्स वगैरह लैंप लगाए हुए हैं, पूरी काफ़ी काम कराया गया लाइटों पे और सजावट पे, पूरा देख सकते हैं दीवारें वगैरह काफ़ी अच्छा बनाया। और अलग अलग जो है फूड कोर्ट अलग अलग तरह के बना रखे हैं। जो है अभी जो है दो फ्लोर खोल रखे हैं, दोनों में ही खाने वगैरह का ही जो स्टॉल वगैरह, जो दावतपुर और दूसरे वाले का नाम याद नहीं आ रहा, जो दूसरा वाला है वो खोल रखा है। तो खाने के लिए अभी मेन है, दो फ्लोर खोल रखे हैं, बाकी और आगे खुलेंगे तो आगे वीडियो में हम दिखाएंगे आपको। तो अभी ये चलते हैं आगे, यहाँ से आगे आते हैं थोड़ा सा है, तो देखो ये देख सकते हैं आप, ये बना रखा है इन्होंने नील नगर। और यहाँ की लाइट्स वगैरह कॉम्बिनेशन पूरा जो बना रखा है पूरा ब्लू बना रखा है। तो भाई काफ़ी अच्छी देख रहे हो लाइटिंग, यहाँ पे ग्रीन वाला लाइटिंग का है, इस साइड में ब्लू वाला लगा रखा है, यहाँ से अलग नेचुरल लाइट आ रही है। और ये भी काफ़ी अच्छी बना रखी है गैलरी टाइप की, यूनिक चीज़ लगी है। लिफ्ट का देखो कितना अच्छा बना रखा है, लिफ्ट नंबर 9 है, लिफ्ट नंबर 10 है, तो लिफ्ट का काफ़ी अच्छा बना रखा है। अगर आप ऐसे लिफ्ट यूज़ करते हैं तो ये कस्टमर लिस्ट फिर दावतपुर के लिए है। ये वाले सेक्शन से हम थोड़ा सा आगे आते हैं नील नगरी से, तो यहाँ है लाल बाग। और लाल बाग के अंदर देखो ये फूड के अलग अलग रेस्टोरेंट्स वगैरह मिल जाते हैं, चल के दिखाता हूँ आपको मैं लाल बाग वाला। अच्छा लाल बाग में क्या है, लाल बाग है तो वो कलर के उसी हिसाब से बनाया हुआ है जिस तरह से मतलब वो था। अब काफ़ी पब्लिक आने लगी है, अभी पूरी तरीके से खुला नहीं है, दोनों तीनों सेक्शन खाने के खुले हुए हैं, लेकिन खाने पे ही मतलब पब्लिक देख सकते हो आप, अच्छी खासी आ गई है। ये देखिए पुराने टाइम का बनाया हुआ है क्लॉक टावर, इस टाइम में शायद ये चांदनी चौक का ही बनाया हुआ है।
पर क्या यार काम करा हुआ है, मतलब देख रहे हो कितने खूबसूरत तरीके से बनाया हुआ है इसे, बहुत सही है भी। तो भाई अभी ये काम चल रहा है ना, तो यहाँ पे थिनर की काफी स्मेल आ रही है, तो थोड़ा सा देख के आना कभी आपको एलर्जी हो। देख सकते हैं आप, ये चांदनी चौक का इलाका है पूरा, जहाँ पे सामने मॉल है। आप लोग जो मेन चांदनी चौक जो स्टॉल है तो वो वहाँ से है, वहाँ से आप लोग अंदर आते हैं, बैटरी रिक्शा वगैरह से भी आ सकते हैं चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन से उतर के। एक मेट्रो स्टेशन इसका अंदर से ही है तो वो करीब हो जाएगा, अभी गेट खुला नहीं है उसका। बाकी यहाँ पे ऑटो वगैरह गाड़ी से कैब से आ सकते हैं, अपनी गाड़ी लाते हैं तो अंदर से पार्किंग बेसमेंट में आपको दिखा चुका हूँ मैं।